चैनल में शीश आपरे मैं हूं तरनजीत और आगे एक नए बड़े ब्लॉग के साथ। आज का जो ये ब्लॉग है ये हमारा सफर रहने वाला है गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक का। होप आपको जो मेरा आज का जो ब्लॉग है वो पसंद आएगा। बस को हम बोर्ड करेंगे आईएसबीटी गुवाहाटी, जिसको हम लोग रूपनाथ ब्रह्मा इंडस्ट्रियल बस टर्मिनल गुवाहाटी भी कहते हैं। और अभी मैं हूँ घर पे, कुछ 5 बजने वाले हैं। 6 बजे जो हमारा बस है वो गुवाहाटी आईएसबीटी से निकलेगा। सो उससे पहले हमें अपना जो बस है वो बोर्ड करना है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आजकल असम में काफी बारिश का मौसम चल रहा है। सो ऑन स्पॉट वहां पहुंच के ब्लॉग करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जो मेरा इंट्रो है या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं वॉइस ओवर आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्लिप्स भी देखने को मिलेगा, वॉइस ओवर भी होगा। आई होप कि आपको जो मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। लोग अभी पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन में आईएसबीटी गुवाहाटी कुछ 5:45 के आसपास। जो बस थी वो अपने बे नंबर में लगी हुई थी। 6 बजे जो बस है वो आईएसबीटी गुवाहाटी से निकलेगी। मैं आपको बता दूं हम ट्रेवल कर रहे हैं बेंच एसी सीटर या स्लीपर रुद्राक्ष ट्रेवल्स के साथ, जो गुवाहाटी से रोइंग तक का सफर तय करती है और रोइंग से गुवाहाटी। हम जा रहे हैं डिब्रूगढ़ और काफी ऐसे सिटीज को कनेक्ट करता है जैसे डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, दुमदुमा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको स्लीपर और सीटर दोनों देखने को मिलेगा। ऊपर में अपर साइड में आपको मिलेगा डबल स्लीपर एंड सिंगल स्लीपर, और नीचे में आपको मिलेगा सीटर, डबल सीटर, सिंगल सीटर। डोर्स और ब्लैंकेट्स भी आपको स्लीपर में प्रोवाइड किए जाते हैं। चीज मुझे अच्छा लगा कि आजकल के जो बसेस में फास्ट चार्ज काफी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इसमें भी मुझे फास्ट चार्जर मिला है। सो गुवाहाटी के थोड़ा सा बाहर आ चुके हैं और अभी है रिफिलिंग टाइम, जो कि अक्सर होता है। हम थोड़ा सा अपने बस के अंदर से निकल के बाहर खड़े हो चुके हैं क्योंकि थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेचिंग भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये बस हमें लग्जरी, कंफर्ट और सेफ्टी सब प्रोवाइड करता है, तो इन सब की वैसे कोई ज़रूरत होती नहीं है बॉडी स्ट्रेचिंग की। लेकिन क्या करें, सबका अलग अलग होता है। और मेरा सजेशन यही है कि आपको इस बस में ट्रैवल करना ही चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन।
में अभी हम लोग पहुंच जाएंगे अपने डिनर डेस्टिनेशन की तरफ। डिनर डेस्टिनेशन हमारा है आमनी, जहाँ पर हम सब अपना डिनर करेंगे। अभी तक लास्ट 3 घंटों में मैंने जो भी फील किया इस बस में, मैं सच बताऊँ मैं लग्जरीनेस कंफर्ट एकदम एक अच्छा फील हुआ है मुझे। और मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि आप सब इस बस में ट्रैवल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से रिपीट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टिकट्स के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। थोड़े समय में डिनर के हॉल में पहुँचने वाले हम लोग। डेस्टिनेशन है होटल ब्रह्मपुत्र जो आमोनी में है, और अभी हम लोग राइट टाइम में पहुंचे हैं। वैसे भी ये सही टाइम है मेरे हिसाब से खाना खाने का, और यहाँ पर हम लोग करेंगे अपना डिनर। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा डिनर का कैसा रहता है एक्सपीरियंस। हम ट्रैवल कर रहे हैं रुद्राक्ष ट्रेवल्स प्रकाश कैपिजला इन बिल्ट, जो सफ़र करती है गुवाहाटी से रोयंग वाया जोरहाट शिवसागर मोरान। और डिनर की बात करें तो ये हमारी डिनर जो आप देख सकते हैं, इतना सब आइटम है और काफ़ी एक अच्छा फीलिंग होने वाला है आई थिंक। खा के देखते हैं फिर हम आपको बताते हैं। डिनर कर लिया था और एक बात मैं बताना चाहूँगा, डिनर काफ़ी अच्छा था। खाने का जो एक प्रॉपर टेस्ट होता है, एक बैलेंसिंग होता है मसालास को लेकर, वो काफ़ी अच्छा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर मेरा ये वीडियो होटल ब्रह्मपुत्र में काम करने वाले या जो भी है कोई भी अगर देख रहा है तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग इतना अच्छा खाना, एक बैलेंसिंग खाना आप लोग प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर्स को, जो काफ़ी अच्छी बात है। जो होटल के जो ओनर है उनके भी कुछ दो शब्द है जो हमने रिकॉर्ड किए थे, जरा सुनिए। हम लोग डिनर के हॉल्ट के लिए खड़े हैं होटल ब्रह्मपुत्र में। सो ये है होटल ब्रह्मपुत्र के ओनर। पैसेंजर होते हैं हमारे लिए भगवान होते हैं, वो पैसेंजर को खुश रखना चाहते हैं, सभी अच्छा से करने चाहते थे। तो कोई कोई दिक्कत खड़ी हो जाता है कभी कभी, वही कभी प्रॉब्लम भी होता है। दिल से करते हैं पैसेंजर की खातिरदारी। खाने के बारे में क्या कहने का, मतलब वेज नॉन वेज के बारे में? वेज नॉन वेज के बारे में हमारे पास दोनों आइटम है। वेज में आपको थाली आएगा, हमारे साथ जो आइटम है 7 आइटम आएगा, और नॉन वेज के साथ चिकन आएगा, मटन आएगा और फिश आएगा। जो रिजनेबल रेट है वही हिसाब से हम रेट लेते हैं। और आप अपने होटल को साफ सुथरा करने का पहला जिम्मेदारी हमारा है। प्राइसेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेज में आपको 90 में आ जाएगा, नॉन वेज में 180 में आ जाएगा आपको जो भी खाना है। मटन में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, वो 240 का आता है। कोई आदमी आए तो खा के जाए एक बार, तो खाना अच्छा ही मिलेगा। तो हमारी वीडियो के माध्यम से आप जो पैसेंजर्स ऑन बोर्ड है, जो डेली जर्नी करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको एक ही बात कहना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होटल वालों को विश्वास करें, खासकर होटल ब्रह्मपुत्र। लेकिन सर्विस तो देता है, डे नाइट सर्विस देता है। उसके लिए रहने का जगह है, टॉयलेट बाथरूम फ्री है, सब कुछ उन लोगों के लिए। खाए या ना खाए, पैसेंजर खाए या ना खाए, वो उससे मतलब नहीं है। टॉयलेट बाथरूम फ्री है। अभी भी कोई लॉन्ग जर्नी करते समय आपको कोई अगर दिक्कत हो तो यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, गाड़ी लगा के आराम से बैठ सके, कोई आपको दिक्कत नहीं करेगा। जैसे कि हम आज ट्रैवल कर रहे हैं रुद्राक्ष ट्रैवल के साथ में स्लीपर प्लस सीटर, तो जैसे ये बस आपके होटल में डेली आती है, डेली होल्ड होता है, तो क्या कहना चाहेंगे कुछ? बस ये मॉर्निंग में भी आता है, और पैसेंजर हमारा जो ये रुद्राक्ष बस में जो पैसेंजर आता है वो रेगुलरली हमारा जान पहचान वाला ही होता है, इसीलिए हम उसके लिए खातिरदारी अच्छे से करते हैं। भी आसामीस लोग हैं यहाँ के, हम जो खाते हैं थोड़ा सा खट्टा, मतलब मसाला जो वैरायटी का होता है वो हम अच्छा करते हैं। आपका वैसे शुभ नाम? पिंकू सैकिया बोलता है। आपसे मिलके अच्छा लगा, थैंक यू। आपने अभी सुना उनकी बात है, काफ़ी अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। मैं भी आपको कहूँगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हो होटल ब्रह्मपुत्र में, आप लोग जाइए, खाना खाइए, काफ़ी अच्छा खाना आपको मिलेगा। और जो हम रुद्राक्ष ट्रैवल्स में ट्रैवल कर रहे हैं उसका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है अभी तक। एक लग्जरीनेस प्रोवाइड किया है, एक सेफ्टीनेस प्रोवाइड किया, कम्फर्ट प्रोवाइड किया है, मतलब हर चीज़ में 10/10 है। मैं कुछ भी इसमें अप डाउन नहीं हो रहा, सब 10/10 है, अच्छा है। काफ़ी अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है रुद्राक्ष ट्रैवल्स अपने पैसेंजर्स को।
उठते हैं, खाना खाने के बाद काफ़ी नींद आती है, और वैसे तो ह्यूमन नेचर है तो मुझे भी अभी नींद आ रही है, तो मैं अभी सोऊंगा। मिलेंगे हम आपसे अगली सुबह अपने व्लॉग में, देखते रहिए। सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। अभी हम अपने डेस्टिनेशन से थोड़ा सा करीब है, पहुंच जाएंगे डिब्रूगढ़, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा रुद्राक्ष ट्रैवल्स के साथ। जो मैंने कल रात से जो मैं ट्रैवल किया हूँ, काफ़ी अच्छा फील हुआ है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, लेकिन एक्सीलेंट है सब कुछ। अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, ट्रैवल किया है हम लोगों ने रुद्राक्ष ट्रैवल्स के साथ, जो सफ़र तय करते हैं गुवाहाटी से रोइंग एंड रोइंग से गुवाहाटी। हम आए हैं डिब्रूगढ़, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इनके साथ, एक्सीलेंट सर्विसेज है। मिलेंगे हम आप सबसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।